नमस्कार दोस्तों, पायल IAS ऑनलाइन YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल IAS असिस्टेंट। प्रतिदिन की तरह अर्थव्यवस्था की आर्थिक शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक आवासीय मूल्य सूचकांक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आवासीय मूल्य सूचकांक क्या है? तो भवन निर्माण उद्योग में बाजार संबंधी पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आवासीय मूल्य सूचकांक के निर्माण पर कार्य किया जा रहा था। The 9th of July 2007 को सरकार द्वारा इस प्रकार के एक सूचकांक की घोषणा की गई। NHB रेजिडेक्स नामक सूचकांक का विकास देश के आवासीय ऋण नियामक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया गया है। अभी इसे पायलट स्वरूप देश के 5 शहरों के लिए जारी किया गया है। बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। इसके द्वारा पांचों शहरों का 5 वर्षों 2005 के स्थानीय स्तर के सूचकांकों का निरूपण किया जाता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में किसी बात की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रेपो रेडी फॉरवर्ड लेन देन क्या है रहेगा। साथ ही आप अन्य टॉपिक को पायल IAS की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप पायल IAS यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।